करूं, क्यों ऐसा मैं पाप करूं और आप लोगों का दिल दिखाऊं, वील फिगर इट आउट एवरीथिंग। न्यूमरोलॉजी का प्रोसेस अगर समझना हो तो ऐसे समझिए एक पौधा कैसे उगता है। व्हेन यू प्लांट सीड, जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो वो सीड के फॉर्म में होता है ना। अब मैं आपके आगे चार बीज रख दूंगी, एक बैनियन ट्री होगा, एक पीपल ट्री होगा, एक नीम ट्री होगा। आप नहीं बता सकते कौन सा बैनियन ट्री है, कौन सा नीम ट्री है, कौन सा पीपल ट्री है। सो सीड इज़ अ ट्रू पोटेंशियल। सीड आपको बताता है कि इस चीज़ में इतनी ताकत है, इतना दम है कुछ करने का। नंबर एक वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। नंबर वन पीपल, आपका नंबर वन अगर चाहे फर्स्ट को बर्थ हो, टेंथ को हो, नाइनटीन्थ को हो या 28th को हो, या आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी अगर एक आ रहा है तो आप में एक के रिफ्लेक्शंस आएंगे। इंडिपेंडेंट पीपल, बीज जैसे अकेला ही बोया जाता है ना, आप पांच बीज को नहीं सेलो टेप से लगाएंगे और कहेंगे आज मैं इसको बो देती हूँ। फैमिली साथ रहनी चाहिए, बच्चे साथ होने चाहिए, मतलब वो मर जाएगा बीज। एक नंबर वालों को इंडिपेंडेंस इतनी चाहिए, उनको फ्रीडम इतनी चाहिए, वो कहेंगे हटा इसको, मुझे नहीं चाहिए। दे आर इंडिपेंडेंट पीपल, दे डोंट नीड किच किच पिच पिच, बहुत पास पास उनको नहीं चाहिए। फ्रीडम लवर्स, इंडिपेंडेंट, कभी कभी हार्श हो जाते हैं, कभी कभी रूड हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल क्वालिटी उनमें होती है। तो एक नंबर जो है वो सोलर सिस्टम में सन की तरह है। सूरज कैसे एक है ब्रह्मांड में, अर्थ को कुछ चाहिए चलो चक्कर काटो, वीनस को कुछ चाहिए चक्कर काटो, मरकरी को चाहिए चक्कर काटो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हारे को चाहिए यू कम नेक्स्ट टू मी, इट्स लाइक हेड ऑफ़ द फैमिली। घर के पापा भी ऐसे ही होते हैं ना, या अर्निंग मेंबर भी ऐसे ही होता है ना, वो आपको नहीं आके पर्स में डालेगा कि अच्छा ख़त्म हो गए पैसे ले मैं डाल दूँ, तुमको ज़रूरत है तुम आओ मांगो, दो बार चार बार छः बार मूड हुआ तो दे दूँगा। दैट इज़ हाउ नंबर वन पीपल आर ऑल्सो। आपको काम है आप जाइए, वो आपके पास नहीं आने वाले, वो टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। अच्छा भी और बुरा भी है। नंबर दो की अगर हम बात करें, दे आर इमोशनल पीपल, हार्ट ओरिएंटेड पीपल, घर की मम्मी, कभी मूड अच्छा है कभी बुरा है, अभी थप्पड़ मार दिया पढ़ाई पर, पाँच मिनट बाद गले लगाकर प्यार कर लेंगी। लॉट ऑफ इमोशंस, वाटर एलिमेंट, चंद्रमा की तरह है, आज फुल मून है कल घटना शुरू हो जाएगा, नो मून है फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दो नंबर वाले लोग भी इमोशनली ऐसे होते हैं, उन्हें हमेशा कोई ना कोई साथ चाहिए, अदरवाइज उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर एक मदर के एक बच्चे को आप अमेरिका भेज दें, एक को ऑस्ट्रेलिया भेज दें, और अगर तीसरा हस्बैंड को भी जर्मनी ट्रिप पे भेज दें, उसको पता है सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं अपनी अपनी दुनिया में, पर वो लेडी पागल हो जाएगी थिंकिंग कि मैं अकेली रह गई। दो नंबर वाले लोग, यू कांट लीव देम अलोन, दे जस्ट नीड समबडी अराउंड देम, कंपेनियनशिप का नंबर है। हमने सीड बोया, सीड अंदर जब फूटता है तो दो नंबर बन जाता है, और सीड जब बाहर फूट के पहला स्प्राउट आता है जिसको हम अंकुर बोलते हैं।